अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, कई हसीन और खूबसूरत चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने नाम से कम और सूरत शक्ल से ज़्यादा पहचाने जाते हैं, और उनमें से एक हसीन और खूबसूरत चेहरा है अपने वक्त की बहुत मशहूर अदाकारा और बेहतरीन डांसर मीनू मुमताज का। थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो जाओ, मेरे प्यार की छांव में खो जाओ, मिले फिर न मिले कभी मुझको। 26 अप्रैल 1942 में पैदा हुई थी मीनू मुमताज मुंबई में। उनके वालिद का नाम था, उनके पिता का नाम था मुमताज अली, और वो अपने वक्त के बहुत मशहूर एक्टर थे और बेहतरीन डांसर भी। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे है बाबूजी, मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे है बाबूजी। मीनू मुमताज का असली नाम है मलिकुन्निसा, उनकी माँ का नाम था लतीफुन्निसा, और माशाल्लाह वो चार भाई थे और तीन बहनें, और सबसे बड़े भाई का नाम था महमूद अली, यानी द ग्रेट कॉमेडियन महमूद भाई। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मीनू मुमताज बहुत छोटी सी थी तो अपने पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाके लाइव शोज करती थी डांस के, लेकिन अफसोस कि उनके पिता को शराब पीने की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी। ऐसी लत लग गई थी कि शराब पिए बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, और होता क्या था, जितना भी कमाते थे सब शराब पीने में उड़ा देते थे, और नतीजा ये निकलता था कि छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिलता था और वो भूखे सो जाते थे। मीनू मुमताज ने सोचा कि अगर मैं स्टेज शोज के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दूं, तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई। 1955 में मशहूर डायरेक्टर नानू भाई वकील ने उन्हें अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया, और उस फिल्म का नाम था सखी हातिम। लेकिन असली शोहरत मिली जब 1956 में एक साल के बाद गुरुदत्त की फिल्म आई CID, और वो सुपरहिट हो गई, और उसके साथ मीनू मुमताज भी। मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मैं चली जिस गली तुमे सारा गाँव रे, पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। CID के बाद मीनू मुमताज की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली, और इसकी वजह ये थी कि वो डांस भी करती थी, करेक्टर रोल्स भी करती थी, और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ साइड रोल भी किया। सखी जानुरी चुमे चाहे तोरा झुमका, मैं भी जानुरी छुप के कौन आया तोर यंगना, जानु जानुरी चाहे थन के तोरा कंगना, मैं भी जानुरी छुप के कौन आया तोर अंगना। कॉमेडियन महमूद भाई कहते थे कि मीनू मुमताज मेरी छोटी बहन नहीं है, मेरा बड़ा भाई है। आजकल लोग कहते हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इस बात को साबित कर दिया था मीनू मुमताज ने आज से 50 साल पहले। मैं जब तक किसी काबिल नहीं हुआ था वो कमाती थी और पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाती थी, और बाद में हम दोनों ने मिलकर काम किया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया,
सिर्फ गोरा रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि महमूद भाई की बड़ी गहरी दोस्ती थी जॉनी भाई के साथ, यानी जॉनी वॉकर और आगा साहब के साथ। मीनू मुमताज कहती हैं कि वो दोनों भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे और अपनी छोटी बहन समझते थे, और मैंने उन दोनों के साथ कई फिल्मों में काम किया। हाँ देखो जी देखो मीठी आधा से जलने वाले जले अपनी बल्ला से। हाँ देखो जी देखो कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल क्या चक्कर कभी आगे कभी पीछे। मीनू मुमताज बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी डांसर थी और बेहतरीन अदाकारा भी, इसलिए हीरोइन बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बहसियत हीरोइन उन्होंने कई फिल्में साइन कर लीं, उनमें से एक फिल्म का नाम था ब्लैक कैट और उनके साथ हीरो थे बलराज साहनी। मुझे एक बार क्यों मैं तुम्हें से पूछती हूँ। ये तो सभी जानते हैं कि कलाकार तारीफ के भूखे होते हैं, जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मीनू मुमताज कहती हैं कि बहुतों ने मेरी तारीफ की, लेकिन मुझे सबसे अच्छा उस वक्त लगा जब हेलन जी ने मुझसे कहा कि मीनू तू बहुत अच्छी डांसर है। मीनू मुमताज कहती हैं कि 1963 में महमूद भाई ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम के साथ की, दिल खोल के पैसा खर्च किया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी और मेरी शादी इतनी शानो शौकत के साथ की गई थी कि आज तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री याद करती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उनके शौहर का नाम है सैयद अली अकबर, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी और राइटर भी, और माशाल्लाह मीनू आपा के चार बच्चे हैं, एक बेटा एजाज सैयद अली एजाज और तीन बेटियां शहनाज गुलनाज और महनाज। मीनू आपा बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो अब नानी भी बन गई हैं और दादी भी। मीनू मुमताज कहती हैं कि मैंने अपने बचपन और जवानी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन अब ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने सारी कमी पूरी कर दी है। दोस्तों हम आपको बताएं कि मीनू मुमताज आजकल कनाडा में रहती हैं, टोरंटो में, और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तबस्सुम, कैसी हो? अच्छी हो? कितना बोलेगी, आ जाओ मीनू आपा, आ जाओ मीनू आपा। मीनू आपा नहीं आ सकती क्योंकि मीनू आपा की अब वो उम्र नहीं रही, 16 घंटे बैठ के आना पड़ता है, और आपको पता है आई एम नॉट वेल, कैसे जाऊँ बताइए ना, आप लोग इनको समझाइए ज़रा प्लीज, जान खा जाती है मेरी, बचपन से ही ऐसी ही है, बहुत चुलबुली, बहुत नखरे वाली, बहुत सबका दिल जीतने वाली, जिसके पास जाती है उसका दिल जीत लेती है। तबस्सुम टॉकीज आजकल वो भी शुरू किया है उसने, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देती है, तो आप ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम्स। अच्छा चलो खुदा हाफिज़। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।